आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने निर्धारण और फसलों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि कुटकी कुल्थी जैसे उत्पाद का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता है और मिलेट मिशन में अधिक से अधिक किसानों को जोड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, अल्पकालीन फसल ऋण वितरण समेत सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड में शासकीय जमीन को खाद्य मंत्री के निजी सचिव भूपेंद्र यादव और कानूंगो सहित कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत अब खुलकर सामने आ चुकी है, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने कार्रवाई की है। बता दें कि बतौली तहसील क्षेत्र के 130 एकड़ से ज्यादा भटको कालीपुर करदना की शासकीय जमीन को निजी मत में करने की शिकायत तहसीलदार से ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच के लिए कहा था। और इस जांच रिपोर्ट में यह बात अब खुलकर सामने आ गई है कि जिन लोगों के नाम शासकीय जमीन को अपने नाम में लिया गया है, इनके पास कोई दस्तावेज प्रमाणित तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 25 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ब्लॉक के भटको गांव के ग्रामीण करीब 15-20 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि बहुत सारी ऐसी शासकीय भूमि, गोचर की भूमि जो करीब 130 एकड़ के आसपास का था, वो शासकीय ज़मीन को है वो पटवारी और अन्य लोगों के माध्यम से उसको प्राइवेट लोगों को के नाम पे उसका नाम को कर दिया गया था और खसरा बीवन में उनकी प्रविष्टि भी कर दी गई थी। थाना बतौली अंतर्गत अभी हाल ही में लगभग 3 FIR अलग अलग तिथि को अंकित दर्ज की गई है, जिसमें ग्राम भटको के ग्रामीण हैं उन्होंने तहसील कार्यालय में एक शिकायत की थी कि कुछ गांव में जो हैं शासकीय भूमि पर, शासकीय भूमि जो हैं उसको फर्जी तरीके से नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चढ़ा लिया गया है और जिसमें कुछ राजस्व के जो पटवारी हैं उसकी भी मिलीभगत ऐसा है, ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। अब खबर जगदलपुर से है, जहां डीएम विजय दयाराम ने बादल अकादमी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के लोकगीत और संस्कृति को न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लोगों तक पहुंचाना है, उनकी प्राथमिकताओं में से ये एक भी है। बस्तर दशहरा जो पूरे देश में मशहूर है, उसमें भी आप लोग अपनी भूमिका निभाए हैं ताकि बस्तर की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जा सके। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल्द से जल्द स्टूडियो को शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए उचित व्यवस्था भी मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। खबर बीजापुर से है, जहां अति संवेदनशील क्षेत्र एस्मा मेटा में हुआ गोलीकांड आज भी जिंदा है, जिसमें हजारों की तादाद में गंगालूर सहित जिले के 50 पंचायतों के ग्रामीण एकजुट हुए थे और पुलिस की गोलीबारी में 4 नाबालिगों की मृत्यु हो गई थी, जिनकी स्मृति में मठ चिन्ह बनाकर उनकी बस्ती बनाई गई है। वही ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि 10 साल बीतने के बाद भी अब तक निर्णय अनुसार कार्रवाई तक नहीं की गई है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम नंदेली की बेटी सृष्टि शर्मा वुमेन्स बेसबॉल खेल में हांगकांग में भारत का नेतृत्व करेंगी। उम्दा खेल की वजह से देश स्तर पर उसका चयन हुआ है। 21 मई को सृष्टि टीम के साथ हांगकांग रवाना होंगी। सृष्टि का कहना है कि ये उनका सौभाग्य है कि उसे देश का नेतृत्व करने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ बेसबॉल एसोसिएशन के कोच मिताली घोष ने बताया कि सृष्टि बीते 3-4 सालों से खेल रही हैं, उसकी कड़ी मेहनत अब जाहिर नहीं जाएगी। सृष्टि बेसबॉल खेल में लगातार उम्दा खेल का प्रदर्शन करती दिखाई दी है, यही वजह है कि वो छत्तीसगढ़ के टॉपर खिलाड़ियों में से एक है। डीएम विजय दयाराम के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा मिट्टी, ईंट और रेत का अवैध परिवहन कर रहे 8 वाहनों को जब्त किया गया है।
खनिज शाखे के प्रभारी अधिकारी हरेश मंडावी ने बताया कि खनिजों का अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 17 मई 18 मई और 19 मई को भी खनिज विभाग द्वारा जगदलपुर के लालबाग आड़ावाल चपका खोरखोसा दुबे उमेर गांव और नगरनार में 8 वाहनों को रेत और मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इनमें मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर, रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुल 5 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। इन सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में अब सौंप दिया गया है। बस्तर SDM साहब के माध्यम से चपका क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का शिकायत मिला था, उसकी जाँच हम कल किए। वहाँ पे हमको 3 जो है ट्रैक्टर जो है रेत परिवहन करते हुए पाए गए, जिनको जब्त करके हम थाना प्रभारी बस्तर की अभिरक्षा में दिए हैं। और परसों 17 तारीख के डेट पे जगदलपुर लालबाग के पास हमको 2 ट्रैक्टर, 1 हाईवा रेत के और 2 ट्रैक्टर ईट के हमको मिले थे, जिसको हम सिटी कोतवाली में अभिरक्षा में दिए हैं। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।